बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज जो जानकारियां आपके साथ बांटनी है उसे लेकर हम उपस्थित हैं। आप भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम के साथ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिंचाई के लिए स्प्रिंकल इरिगेशन का करें उपयोग, खेतों में अब प्लास्टिक की जगह जूट मल्चिंग का करें प्रयोग, सूर्यमुखी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं DRSF 108। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, आप अपने फसल में सिंचाई के लिए स्प्रिंकल इरिगेशन यानी फव्वारा सिंचाई का उपयोग करें। इस तकनीक से पानी को हवा में उड़ाया जाता है और बारिशनुमा होकर पानी जमीन पर गिरता है। इससे फसलों को पर्याप्त पानी मिलती है और अनावश्यक पानी की बर्बादी भी नहीं होती। किसान भाई, खेत में फसलों को खरपतवार से बचाने और पैदावार बढ़ाने में प्लास्टिक की जगह जूट मल्चिंग का प्रयोग करें। यह प्लास्टिक का विकल्प है, इससे खेत भी प्लास्टिक मुक्त होगा और मल्चिंग के बाद जुटे खेत की मिट्टी में मिलकर उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में जैविक खाद के साथ सहायक होता है। किसान भाई, यदि आप पशुओं के लिए हरा चारा तैयार कर रहे हैं और उस चारे को अगले सीजन के लिए भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो शैलेज और हे तकनीक अपनाएं। शैलेज मकई में बनाते हैं और हे के लिए जमीन में गड्ढे कर चारे को गाड़ देते हैं और प्लास्टिक से ढक देते हैं। इससे पहले हरे चारे को काटकर धूप में सुखाएं। इससे 70-80% पानी सूखकर 30-40% आ जाता है, जिससे चारे को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये बताना चाहूँगी कि देखिए, कि मैंने आपको शुरू में बताया वार्षिक और बहुवार्षिक, और वार्षिक जहाँ तक रहा उसे आप सीज़न के अकॉर्डिंग लगाते हैं। खरीफ हो गया, रबी हो गया, समर हो गया, पेरेनियल जो है वो सालों भर। उसमें देखिए, हम अगर आप सिलेज के बारे जान रहे होंगे कि आप हमारे प्यारे किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि जैसे हरा चारा आप लगाएं, हरा चारा को आप लगाएं, खिलाएं जानवर को, और आपको लग रहा है कि हम अगले सीज़न के लिए उसको सुरक्षित रखें, तो इसमें आप सिलेज बना सकते हैं और हे बना सकते हैं। हे क्या हो गया, इसको है कि इसमें गड्ढे करके इसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, प्लास्टिक से छिपाया जाता है। जनरली हम लोग जो हे सिलेज बनाते हैं, ये हम लोग बनाते हैं मकई में। और हे जो हो गया, हे जो हो गया, इसको आप काटें और धूप में सुखा दें। धूप में, धूप से क्या होगा कि जैसे हरा चारा में आपका 70-80% मॉइस्चर कंटेंट हो गया, मींस पानी का परसेंट हो गया, इसको अगर आप सुखा देंगे तो ये 30-40% आ जाएगा। तो इसको आप हे के रूप में रख के स्टोर कर सकते हैं। बसंतकालीन सूर्यमुखी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 8-10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में DRSF 108 लगाएं। सूर्यमुखी की खेती के लिए 2-3 बार खेत की अच्छी तरह जुताई कर पाटा चलाकर समतल बना लें। बुआई कतार में करें। बुआई के पहले सिंचाई कर जमीन की तैयारी करें, जिससे कि मिट्टी में पर्याप्त नमी हो सके। किसान भाई, खेत में खरपतवार नियंत्रण और खेत की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1-1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है लतेदार सब्जी फसलों में व्यस्क कीटों के रोकथाम के बारे में। लतेदार सब्जी फसलों में व्यस्क कीटों के रोकथाम के लिए खेत में जहरीला चारा डालें। जहरीला चारा इस प्रकार तैयार करें, 1 एकड़ की दर से 1 किलोग्राम कुढ़ा को अच्छी तरह से मसल दें। इसमें 100 ग्राम गुड़ और 10 मिलीलीटर मालाथियान दवा डालकर इसे अच्छी तरह से मिला दें। एक फसल मौसम में 2-3 बार यह उपचार करें, व्यस्क कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, जिस तरह हमारा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, उसी तरह अच्छी खेती के लिए हमारे खेतों का, उसकी मिट्टी का स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। क्या होता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कैसे कराएं, कब कब कराएं हम अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण, अगली जानकारी इसी से संबंधित है। तसर के कीड़े आसन, अर्जुन, पलाश सहित अन्य भोज्य पौधों की पत्तियां खाकर जीवित रहते हैं और अपने लार से रेशम के धागे बनाते हैं। इन भोज्य पौधों की पत्तियां जितने स्वस्थ और पौष्टिक होंगे, तसर कीट उतने ही स्वस्थ होंगे और उतना ही गुणवत्तापूर्ण होगा कोकून और रेशम का धागा। यह तभी संभव होगा जब मिट्टी स्वस्थ होगी। मिट्टी स्वस्थ है या नहीं, मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित है या नहीं, ये जानने के लिए मृदा परीक्षण कराएं। जैसे कि हमारा रेशम कीड़ा पत्ती में काता है, पत्ती में खा के उसका ककुन बनता है, उससे जो धागा निकलता है उससे कपड़ा बनता है। जो भी धागा का क्वालिटी हो या कपड़ा का क्वालिटी हो, वो तसर का जो खाद पौधा होता है अर्जुन और आसन, उसमें निर्भर होता है। तो तसर का खाद पौधा का क्वालिटी का और उसका जो निर्भर होता है मिट्टी में, मिट्टी का जो भी पोषक तत्व है तो उसमें निर्भर होता है। इसीलिए मिट्टी को बहुत हम ध्यान रखते हुए उसको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मिट्टी की जांच कराने के लिए तकनीकी रूप से विज्ञान सम्मत विधि से मिट्टी का नमूना इकट्ठा करें। खेत को समान भाग में अलग अलग हिस्सों में बांट लें। हर हिस्से के अलग अलग 4-5 स्थान से वी आकार का गड्ढा खोदकर मिट्टी जमा कर लें। अब सभी स्थान के मिट्टी को मिला दें। इस मिश्रित मिट्टी का आधा से 1 किलोग्राम नमूना परीक्षण के लिए भेजें। ये अच्छी सवाल है, क्योंकि ये जो भी नमूना कलेक्ट करते हैं हम सॉइल का, वो किसान भाइयों यूजुअली करता है, तो कैसे इसको करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से नमूना कलेक्ट कर लिया, जो भी हम जांच करेंगे वो गलत ही आएगा। तो इसलिए सही तरह का नमूना लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कैसे करना हम बता देते हैं। जैसे आप खेती में जाइए, आपका खेती का एरिया 2 हेक्टेयर है और ये 1 हेक्टेयर है, उसमें कैसे हम नमूना लाना, पहले जब क्षेत्र में जाएंगे, आपका फील्ड में जाएंगे, तो वहाँ देख लीजिए किस तरह का आपका खेती है, क्या या सब स्लोपी है या सब तरह का अलग अलग तरह का है, या जहाँ कहीं पे फर्टिलिटी ज़्यादा हो कहीं पे कम हो, उस तरह का मिट्टी हो सकता है। इसलिए उसको पहले डिवाइड कर लें, विभाग करना है। विभाग करने के बाद तो हर विभाग से थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लेना है। तो एक विभाग से 4-5 सैंपल और एक भाग से और 4-5 और एक भाग से 4-5, ऐसे करके सारा मिट्टी को मिक्स करके बढ़िया से, और उसको एक नमूना होता है और ये हम दिखा देंगे फील्ड में, तो उस तरह का उसको डिवाइड करके आधा के जी से 1 kg सैंपल को नमूना को जांच केंद्र को भेजना है। तो इस तरह उन लोगों ने भेजना होता है। बेहतर तसर उत्पादन में मिट्टी की जांच की महत्वपूर्ण भूमिका है। मिट्टी परीक्षण से ही पता चलेगा कि कितनी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद हैं। इसी आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड में पोषक तत्वों की उपस्थिति और उनके उपयोग की अनुशंसा की जाती है। मिट्टी की जांच करने के लिए आवश्यकता है सारा किसान भाइयों के लिए, क्योंकि मिट्टी जांच करने से उसमें जो पोषक तत्व है उसको यहाँ एनालिसिस करता है, जैसे जांच करता है, उससे क्या पता चलता है मिट्टी में जो उपलब्ध पोषक तत्व होता है वो कितना प्रमाण में है, वो पता चलेगा। जब उसका प्रमाण पता चलेगा तब हमको जो एक्सपर्ट रहता है
जांच का परीक्षण केंद्र में किसान का खेती में कितना पोषक तत्व है, उसका प्रमाण कितना है, वो सब हमको जानकारी मिलता है वो जांच करने से। उससे क्या फ़ायदा है? तो उससे बहुत सारा फ़ायदा है। तो जैसे कि मिट्टी में अगर पोषक तत्व तो कम प्रमाण में है, वो हमको जांच करने से पता चलेगा, तब उसको उसी हिसाब से उसको रेकमेंड किया जाता है। जैसे नाइट्रोजन कम है तो उनके इसमें यूरिया को ज़्यादा देना है, वो सबको जो भी हम किसान सॉइल हेल्थ कार्ड देते हैं उसमें लिखा जाता है। तो इससे क्या होता है, किसान को सही प्रमाण में जो चाहिए पोषक तत्व तो उसको यूरिया के रूप में, डीएपी के रूप में या खाद के रूप में डाल सकते हैं। तब उसको जैसे खाद पौधों को डालेंगे तब उसका क्वालिटी इम्प्रूव होगा पत्ती का, जो कीड़ा उसको क्वालिटी का पत्ती खाएगा वो अच्छा सा बढ़िया का क्वालिटी का ककुन बनेगा, वो ककुन से हम अच्छा तरह का कपड़ा बन सकता है। इसलिए ये जांच बहुत इम्पॉर्टेंट है। तसर उत्पादक भाइयों, आप जब तसर भोज्य पौधों का नया भाग लगाएं या नए मौसम में भोज्य पौधों पर तसर कीट चढ़ाने की तैयारी करें तो उससे पहले ही मिट्टी की जांच करा लें, ताकि प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही उर्वरकों का व्यवहार किया जा सके। जो किसान भाई होता है वो किस समय पे नमूना लेना है बहुत इम्पोर्टेंट का बात है। जब उन्होंने खेती शुरू करेगा बिल्कुल उससे पहले वो मिट्टी को भेजना है, क्योंकि जांच का पर्पज़ ये है, जब जांच करेंगे तब उसका रिजल्ट से हम खाद, गोबर, फर्टिलाइज़र जो भी डालते हैं उस हिसाब से डालना होता है। तो ये करने के लिए कम से कम अप्रैल मई महीने में नमूना भेजना ज़रूरी है, ताकि परीक्षण केंद्र जांच करके तुरंत उसका जो रिजल्ट्स है दे सके। जो रिजल्ट से रिकमेंडेशन जो होता है उसको किसान भाई फॉलो कर सके। हर फसल की उपज और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है। हर किसान अपने खेत की मिट्टी जांच कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएं और इसी अनुशंसित आधार पर उर्वरकों का व्यवहार करें। भारत सरकार से एक योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड करके, सॉइल हेल्थ कार्ड हमने जो बोलते हैं, वो भारत सरकार से जारी किया है। ये 2015 में शुरू किया है, फरवरी 19 में। उसमें ऑब्जेक्टिव ये है, उसका पर्पज़ ये है, हर एक किसान को अपना एक सॉइल हेल्थ कार्ड हो, ताकि उसमें अपना खेती का मिट्टी का स्वास्थ्य क्या है, उसमें पोषक तत्व का प्रमाण क्या है और उसमें क्या क्या फिजिकल पैरामीटर्स है, ये सब उनको जानकारी होना चाहिए, ताकि उसी हिसाब से वो सॉइल का हेल्थ को मेंटेन कर सके और अच्छा फसल ले सके। तसर उत्पादक भाइयों, कृषि विशेषज्ञ की बातों से स्पष्ट है कि बेहतर तसर उत्पादन की बुनियादी जरूरत है मृदा परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसलिए आप जरूर मिट्टी की जांच कराएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएं और बेहतर तसर उत्पादन करने में सफल हों। हम बात करेंगे उन किसानों से जिन्होंने अपने खेतों में चने की खेती की हुई है, चने की फसल लगाई हुई है, उसमें कीट नियंत्रण और रोग नियंत्रण कैसे किया जाए, ये जानकारी अगले कार्यक्रम में। चना रबी मौसम की दलहनी फसल है। राज्य के जो किसान भाई समय पर चना लगाए हैं उनके फसल में अभी फूल लग रहे होंगे। किसान भाइयों, पिछले कुछ महीनों में कुछ दिनों के अंतराल पर बारिश होती रही है, ऐसी स्थिति में चना फसल में कई रोग और कीट लगने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे बचाव और नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी जो है चना ऐसे तो रबी मौसम का फसल है और रबी मौसम में हम लोग देखते हैं कि अगर इसको जब किसान लगाते हैं तो अक्टूबर नवंबर महीने में इसकी स्विंग हो जाती है, और अभी जो है वो लगभग वो पुष्पन अवस्था में कोई कोई चना जो है अभी आ रहा होगा, बढ़वार उसकी काफ़ी है और विगत जो है वो मौसम अभी के अनुसार से कुछ बारिश भी हो गई है। ऐसी परिस्थिति में हो क्या रहा है कि चने में रोग और व्याधि का यानी कीटों का प्रभाव जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम लोग देखें जो अभी बारिश का जो हुआ है उसमें क्या है कि सॉफ्ट रूट रॉट
एक सॉफ्ट रूट रॉट क्या है कि चने के तने के आसपास जो मिट्टी के जो सराउंडिंग का एरिया है वो वहाँ पर सूखने लगता है और पूरा पौधा फिर वो सूख जाता है। तो जब आप खेत में जब घूम करके देखेंगे तो इस तरह की समस्या अनेक आपको देखने को मिलेगी। ये चूँकि मौसम के प्रभाव के वजह से इस तरह का समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो देखने को मिलता है। तो इस समस्या के अलावा जो है हम लोग देखते हैं कि चना एक दलहनी फसल है और दलहनी फसल होने के वजह से इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग मान लीजिए कि सोलेनेसी फसल कहने का मतलब आलू टमाटर बैंगन मिर्चा लिए इसके बाद फिर जो है दाल वाली फसल लिए तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि वो भी विल्टिंग जो बोलते हैं जिसको उकठा बीमारी बोलते हैं एक तो जीवाणु के वजह से और फफूंद के वजह से तो वो उकठा बीमारी जो है बहुत तेज़ी से चने में आ जाता है तो इसके वजह से भी काफ़ी क्षति जो है किसान भाई को देखने को मिलता है। तो ये दो मुख्य अभी रोग जो है हम देख रहे हैं कि प्लॉट में काफ़ी आया हुआ है। सॉफ्ट रूट रॉट यानी चना के पौधे में सूखने की समस्या के रोकथाम के लिए नटीवो दवा का छिड़काव करें, जबकि उकठा से बचाव के लिए फसल चक्र अपनाएं। इसके अलावे चना की बुआई से कम 15 दिन पहले मिट्टी का उपचार करें। विल्टिंग या उकठा बीमारी को अगर हमको अगर उसको बचाना है तो उसके लिए क्या करना है कि थोड़ा सा जो है हम लोग खेत को पहले उपचार कर लेंगे या वैसे खेत का चुनाव करेंगे कि कम से कम 2 साल के बाद जो है उसमें ये सोलेनेसी या लेग्यूमिनेसी जो बोलते हैं कि आलू वर्गीय फसल या आपका दाल वर्गीय फसल को हम लोग उसमें लगा पाएंगे। तो ये बात को ज़रूर किसान भाई ध्यान रखें कि जहाँ कहीं भी चने की फसल लेनी है तो वो आप उसके लिए जो है 2 साल के बाद इस फसलों का रोटेशन होना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। इसके साथ ये देखना है कि अगर उनको लगाना हो वैसे क्षेत्र में अगर लगाना हो तो मिट्टी का उपचार जरूर कर लेंगे। मिट्टी का उपचार करने के लिए क्या है कि उनको जो है 1 एकड़ के लिए कम से कम जो है वो 6 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर उनको ज़रूरत पड़ेगा, 100 किलोग्राम चूना का ज़रूरत पड़ेगा या आपका जो है करंज खली है उसका जो है 100 किलोग्राम इसको प्रति एकड़ के अनुसार से अगर दे देते हैं और उसके बाद जो है 15 दिनों के बाद जो है अगर लगाते हैं तो इसमें ये जो दोनों बीमारी है उसकी संख्या जो है उसमें कम आती है। और अगर खड़ी फसल में आ गया तो उसके लिए जो है हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरियल है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक जो है वो बैक्टीरिया नासी जो जवा है उसका हम लोग जो है वो 30 लीटर पानी में 6 ग्राम का पाउच आता है उसको घोल करके और उसके बाद फिर उसके रूट जोन में जो है उसका स्प्रे करते हैं तो वैसी परिस्थिति में जो है विल्टिंग जो है जो उकठा बीमारी है वो हमारी फसल में न आएगी। चना फसल में पत्ती फूल और फलियों को नुकसान पहुँचाने वाले कीट सेमी लूपर लगते हैं, जबकि फूल लगने के समय फली छेदक कीटों का हमला होता है। इन दोनों कीटों के प्रकोप से चना के कुल उपज क्षमता में 1/4 की कमी आ जाती है। आपका जो है फली छेदक जो है इसमें सबसे मेजर जो हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा है वो उसका कीट है उसका आक्रमण हो गया होगा और ये दोनों कीट जो है बहुत मतलब उग्र अवस्था में आकर के पूरा का पूरा जो है इसके पुष्पन के समय जब कोमल पत्ती रहती है उसी समय उसको क्षति करता है, उसके बाद फूल को भी खा जाता है, फिर उसके बाद एक जो इसके लार्वा है वो आपका 7 से 8 जो है पॉड को बोर कर देता है या उसके दाने को खा जाता है। तो इस तरह से इस कीट का जो है वो आपका इतना ज़्यादा आक्रमण हो जाता है कि आपका मतलब उत्पादन हम देखते हैं कि करीब करीब 25 से 30% तक जो है ये आपका वो लॉसेस या नुकसान इस कीट के वजह से भी होता है। अगर हम इसका प्रबंधन के बारे में अगर बात करते हैं तो प्रबंधन हम लोग इसको जो है अगर जैविक प्रबंधन करना चाहते हैं तो वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जैविक प्रबंधन कहने का मतलब जो है अगर इसमें हम कहें कि बैसिलस थुरिंजियंसिस कुष्ठकी एक जो है बैक्टीरिया है तो उसका अगर मान लीजिए कि 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करें या उसके बाद जो है दूसरा हम काम कर सकते हैं कि HANPV आता है
ONPV जो है 250 LE पर हेक्टेयर के दर से उसका छिड़काव करें, या फिर हम अपने खेत में क्या करते हैं कि चिड़िया बैठने के लिए जगह जगह बर्ड पिंचर बना देते हैं ताकि चिड़िया वहाँ बैठेगा तो उसमें जो है वो कीड़ों को चुन चुन करके वो उसका नियंत्रण करते रहती है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। किसान भाई, चना फसल वाले खेत में नमी की कमी होने लगे और मिट्टी सूखने लगे तो दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। दीमक के नियंत्रण के लिए आप जैविक और रासायनिक दोनों उपचार अपना सकते हैं। कि जब कीटों की संख्या जो है निर्धारित हानिकारक सीमा से जब अधिक हो जाती है तो वैसी परिस्थिति को जानने के लिए जो है हम देखते हैं कि हमारे खेत में कितने ये कीट आ रहे हैं, तो सेक्स फेरोमोन ट्रैप जिसको गंध पास फंदा बोलते हैं उसको हम लोग जो है 5 डिसमिल में एक करके उसको लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें मादा तितली की गंध रहती है तो नर तितली जो है बाहर से आकर्षित होकर के उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, उसको हम लोग सुबह में जब घूमने जाएंगे तो उसको दाब करके मार देते हैं, तो नर मादा आपस में जब नहीं मिलेगी तो वो अंडा नहीं देगी हमारा, फिर जो है वो फसलों में जो नुकसान हो रही है कीटों के वजह से वो नहीं होगा। तो ये एक इसके लिए जैविक नियंत्रण है, या हम लोग सिंपली ये भी कर सकते हैं कि नीम से बने जो है कीटनाशक है उसका हम लोग छिड़काव कर सकते हैं, तो ये मतलब हम लोग देखते हैं कि निमारीन है, अचूक है, ये सब दवा का हम लोग उसमें छिड़काव करते हैं। इसी तरह रासायनिक भी दवा है, इसके साथ साथ जो है हम लोग देखते हैं रासायनिक दवा में जो है आपका जो बोलते हैं इंडोक्सा कार्ब इसके लिए बहुत अच्छा है, उसका 1 से 1.5 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग अभी देखते हैं चना में अभी एक और है जिसको सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र के लिए वो है दीमक। दीमक क्या होता है कि वो पूरा का पूरा जब मान लीजिए कि नमी कम हो जाता है खेत में तो ये डेड लिविंग ऑर्गन्स जो है मतलब मृतोपजीवी है, इसलिए जो भी मतलब सड़ा गला पदार्थ है या वो सूख गया है वो ऐसे पदार्थ को तुरंत अटैक कर देता है, तो जहाँ पानी कम रहेगा और वहाँ पर जब चना लगा हुआ रहेगा तो वो आपका जो है दीमक वहाँ पर उनके जड़ को पूरा क्या करता है वो नुकसान करने लगता है, खाने लगता है, और वैसी परिस्थिति में एरिया का एरिया जो है वो चना देखते हैं कि वो सूखता चला जाता है। लेकिन दीमक का नियंत्रण करने के लिए अगर हम लोग जैविक विधि से इसको देखते हैं तो एक मेट्रोलेजियम एनोसोपोलिया जो है ये आपका एक फंगस है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि कंपोस्ट खाद में बढ़िया से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद फिर जो है उसको खेत में आप दे देंगे तो ये अगर जहां दीमक का समस्या है तो 2 किलोग्राम 100 किलोग्राम गोबर खाद में मिला करके इसको दे दिए तो उसमें काम हो गया, और नहीं तो फिर रासायनिक दवा जो है क्लोरपाइरीफॉस है या इमिडाक्लोरोपीड है या आपका बाइफेंथ्रीन है, बाइफ्लैक्स करके आता है, इन सब दवा का भी मात्रा से हम दीमक कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, तो ये थे इस मौसम में लगने वाले रोग और कीट तथा उनके रोकथाम के उपाय। आप कृषि विशेषज्ञ द्वारा दी गई सलाह का पालन करते हुए चना फसल में लगने वाले रोग एवं कीटों को नियंत्रित करें, अच्छी उपज पाएं और अच्छा लाभ कमाएं। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं, लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, क्या ये ठीक था या कुछ कमियां रह गई। अपना सुझाव हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची पिन संख्या 834001। अब इसी के साथ मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहर।